नालासोपारा में लगातार नाइजीरियन की घटनाएं सामने आती हैं, कई बार ड्रग्स में लिप्त तो कई सारी आपराधिक घटनाओं में उन्हें देखा जाता है। ऐसे में पुलिस अब पूरी तरह चौकन्ना हो चुकी है और इस पर कड़ी कार्रवाई के लिए मैदान पर उतर चुकी है। नालासोपारा के तुलिंग पुलिस स्टेशन के हद में आने वाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आज 90 फीट एरिया में इस पूरे विषय को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई। और कार्रवाई इस प्रकार से की गई, जहां नाइजीरियन रह रहे थे उन इमारतों में जाकर, उन कमरों में जाकर जहां वह विराजित है, स्थापित है, उनकी छानबीन करना, आखिर उन्होंने कौन सा पदार्थ रखा है, कौन सा पदार्थ नहीं रखा है, इस पर बातचीत करना, और कई को तो बिना बताए घर में घुसे। ऐसे में पुलिस ने पूरी तरह तहकीकात शुरू कर दी और इस तहकीकात में आप तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि नाइजीरियन जब अपने कमरे में पाए गए तो किस प्रकार से हड़बड़ाते नजर आए। इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस ने पेट्रोलिंग करके स्थानीय लोगों को ये बताने की कोशिश की कि हम महफूज रखने के लिए ये क्षेत्र पूरी तरह ये कार्रवाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन लोगों पर जो मनचले तरीके से अपनी बाइक चलाकर बिना नंबर प्लेट के, बिना कागज के चलाते हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए भी इस स्थान को चयनित किया गया और उन पर कार्रवाई भी की गई। इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि पुलिस नाइजीरियन वाला जो मुद्दा है उस पर अब गंभीर है और कहीं ना कहीं उस पर कड़ी कार्रवाई के लिए अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि इन सब कार्रवाई से नाइजीरियन वाली जो घटना आए दिन सामने आती है उस पर कितना अंकुश लगता है, पुलिस के द्वारा इस तरह पेट्रोलिंग से जनता में कितना महफूज होने वाला जो भाव है वो उत्पन्न होता है, और कितने मंचलों पर कार्रवाई होने के बाद कितने मंचले अब लाइसेंस, गाड़ी में नंबर और 2 सीटों के साथ चलेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी।